हाय बेटी, गुड मॉर्निंग। मैं 6 बजे का उठी हूँ, बीच में सो गई। मैं 3:30 का उठा हूँ। उठा देखा तो जैसे उठा मैं 3:30 को, देख रहा हूँ ये कौन सा सीजन मांग रहा है। ये वर्मा जी परेशान है अपने बैग रखने के चक्कर में। ये सेब कहाँ से गिर रहा है भाई? ये न्यूटन का सेब है। मैं अभी 3:30 बजे उठा हूँ सुबह के। देखो मथुरा है यार, कृष्ण स्टेशन। ये आलू वाले ब्रेड को पूरा गरम गरम सबके झूले में एप्पल वाला सेब। देखो ये आदमी को पूरे सीट का पैसा इसलिए उस रहा है, जब से सफर शुरू हुआ है तब से सो रहे हैं भाई साहब। कोई टेंशन नहीं। जय माता दी फ्रेंड शंभू। जय माता दी। अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। कितना बज रहा है? 8:30। हाँ, और वर्मा जी का नाश्ता भी रेडी है। मेरा नाश्ता भी रेडी होगा, उसके बाद 5 मिनट में गर्म होगी। वैसे टेबल पे 2 मिनट बताते हैं, लेकिन वर्मा जी की मैगी 5 मिनट में करके वेट करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुहाना मौसम है। साफ सुथरा स्टेशन है। अब यहाँ से 5 मिनट का होल्ड है, उसके बाद यहाँ से रवाना होगी। ये है हमारी कोच। जय माता दी। लेट्स राजवीर, देखो मैं कितनी शांति से अपना खेल रही है, एंजॉय कर रही है। एक राजवीर है जिनको प्लेटफॉर्म पे जाना है। नींद आ रही है, फिर सोच रहा हूँ 2 घंटे की नींद लेंगे। मैंने बोला जम्मू में उतरेंगे ना। देख सकते हैं मेरे पीछे जो ट्रेन है, मालगाड़ी, सारी गाड़ियों पर ट्रक लदी हुई है, कहीं डिलीवरी के लिए जाती होगी। पता नहीं क्या बोल रहा है, कहीं जा रही होगी डिलीवरी के लिए जा रही है। सफर काफी अच्छा कट रहा है जी। राजवीर को 2-3 उल्टी हो गई, बस उसी से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट आई होप जम्मू पहुँचते ही सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर सफिकेशन की वजह से भी होता है ये चीज़ें बच्चों को, और खाना भी ओवर ईटिंग भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं है। सुस्त हो गया थोड़ा। जम्मू जैसे कटरा उतरेगा, जम्मू स्टेशन उतरेगा, एक्टिविटी उसकी चालू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2-3 उल्टी हो गई है, तो भाई साहब आराम कर रहे हैं, तो उनको आराम करने देते हैं, 1-2 घंटा सो लेंगे तो इनकी नींद पूरी हो जाएगी। क्या भाई, खाना वाना खाया? अरे इतना खाने के बाद भी नहीं बोल रहे थे यार, नाश्ता किया, खाना नहीं खाया। पूरा ट्रेन तूने सो के निकाला है, 6 आदमी का टिकट का पैसा तूने ही वसूला है। सो जा भैया भी सोया, तू भी सो जा। बाहर आए, आने की बार जिद कर रहा था लेकिन उसको लिया नहीं मैंने। तो यह है पठानकोट स्टेशन। मौसम ठीक ही है, मौसम ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, देख सकते हैं। तो मौसम कैसे है? बड़ा सा कुछ तो है, मुझे क्या लेक है, लेक हो सकता है, हाँ लेक टाइप है सब। जय माता दी। जम्मू पहुंच गए हैं और राजवीर भी उठ चुका है, पठानकोट से सोया था बराबर, और जम्मू में इनकी नींद पूरी हुई है, थोड़ा इनको रिलैक्स भी फील हुआ है। और आपके पीछे जैसे आप देख रहे हैं, हम जम्मू तभी पहुंचे हैं, और यहाँ से 2 घंटे की जर्नी है। कितना? 2 घंटे। 1 घंटा उधमपुर आएगा, 1 घंटे में उधमपुर, और 1 घंटे बाद कटरा, और उसके बाद होटल,
होटल के बाद खाना, खाना के बाद थोड़ा मार्केट में घूमना फिरना, और फिर उसके बाद कल सवेरे हम माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? क्या बोल रहे हो? अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओके, चलो बढ़िया। इसके लिए मैं बोलता हूँ ट्रेन में है ना, ज्यादा पानी ज्यादा पिया करो, है कि नहीं? तो ये लास्ट स्टॉप है उदयपुर। लास्ट स्टॉपेज नहीं है, सेकंड लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉपेज कटरा है। सेकंड लास्ट स्टॉपेज है उदयपुर। तो यहाँ से बर्फबारी दिख रही है। क्या बर्फबारी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा। बस अभी आधे घंटे में हम पहुंचेंगे कटरा। बस अभी आधे घंटे के अंदर पहुंचेंगे हम कटरा। ये देखिए एक ट्रेन है। और अभी उधमपुर के पोर्ट के यहाँ पे चलो। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग बस पकड़ लेंगे। उधमपुर से बस जाती है कटरा। ये हमारे गोविंदा। बनो उसके। रुक 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 रुक। ये देखिए एक पुल और ये नीचे पानी बंगलो का। हाँ, रास्ता है रोड रोड का। वो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को माता का दरबार दिख चुका है। ये देखिए अर्थ कुंवारी। ये देखिए आपको एकदम पास से दिखा रहे हैं। जय माता दी, जय माता जी। भवन तो दिखेगा नहीं क्योंकि भवन एक उस साइड है, तो और कुंवारी दिख चुका है।